सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विकास सुमी। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं अब भी उठी हूँ। और आज है तीज जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत लोग करते हैं तीज, तो ये मेरी दूसरी तीज है शादी के बाद। एक शादी के पहले थी, तीसरी तीज है, भूल गई। एक शादी के पहले थी, एक शादी के बाद, और एक दूसरी तीज मैं अपने ससुराल में आज मनाने वाली हूँ। तो आज कैसे क्या मतलब मेरा दिन जाएगा, तो मैं मतलब आज का मेरे दिन में क्या करने वाली हूँ वो सब मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी मैं जाती हूँ और पहले नहाकर आती हूँ। तो जस्ट अभी मैं शावर लेकर आई और क्लाइमेट हुआ है बारिश जैसा, बारिश भी हो सकती है पता नहीं। और आज तीज का फास्ट है मेरा, बहुत सारे लोगों का तीज का फास्ट होगा। और मेरी ननद ने मुझे इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है, कलर भी अच्छे ही आया है। दोनों हाथों में मेहंदी तो बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है, मैं बाद में अच्छे से बताऊंगी। तो ये एकदम ठंडे ठंडे अनार लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि फास्ट में यही खा सकते हैं फ्रूट्स ये सब। और ये देखो मेरे टॉवल पे मेरा नाम लिखा हुआ है सुमी, जो कि मेरे भाई ने दिया था मुझे लास्ट राखी पर, विकास नहीं दूसरे भाई ने, कजिन। तो अभी तो शाम तक फ्रूट से काम चलाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं झूला झूलने के लिए, ये गए थे अभी आए मतलब। जी एच लोकेशन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे हमारे मुंबई जैसा मरीन लाइन भी है। तो घर पे चलते जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और फिर पूजा करने चलते हैं। मैंने सोचा कि ठीका ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा है करके, और बस अभी जाना है पूजा करके आएंगे, फिर चांद को देखेंगे, फिर अपना फास्ट खत्म होगा और खाना खाएंगे। तो ये मेरी पूजा की थाली भी रेडी है और ये मेरी मेहंदी। उसी के
छोड़ने के लिए चल रहे हैं। और भी है जो आगे बैठे हैं। इतने खुश है लोग मेरे से, सोच ही नहीं थे कब जाऊंगा। टाइम आ गया ना, देख लो कैसे कैसी मूवी ले जा रही है। जस्ट मैं सोकर उठी थी और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैंने देखा कि इतना टेस्टी खाना आया है। तो खाने में था दाल मखनी, बटर, ब्रेड और डेजर्ट, जो कि इतना टेस्टी था। दाल मखनी और राइस के साथ फ्राइड राइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी खाने में कि देख लो ना आसपास देखती, मैंने फ़ोन चालू करके जो सामने रख दिया। और पहले तो मैं देख रही थी कि इन्होंने मुझे क्या क्या प्रोवाइड किया है करके। तो इसमें छोटा बटर क्यूब था जो कि बहुत क्यूट भी लग रहा था, जो ये ब्रेड के ऊपर लगा कर खाना था, और ये मतलब ब्रेड बन के ऊपर लगा के खाना था। तो मैंने पहले इस पर ऐसे ही टेस्ट किया कि इसका टेस्ट देखती हूँ कैसा है करके, तो मुझे इसका टेस्ट सही लगा ब्राउन ब्रेड का। तो फिर मैंने फिर इसके ऊपर बटर भी लगाया और एकदम मस्त में इंजॉय किया आसमान के ऊपर उड़ते उड़ते, खाना खाते खाते, मज़े ही मज़े। मुझे खाते खाते कुछ याद आया कि काश अगर विकास भाई भी मेरे साथ होते तो हम दोनों कितना इंजॉय करते करते जाते, और मुझे भी साथ में कंपनी मिल जाती थी। मुझे अकेले बोर भी बहुत हो रहा था, इसलिए मैं खाना खा रही थी, सो रही थी, फ़ोन यूज़ कर रही थी, क्योंकि फ़्लाइट मोड होता है तो इसमें नेटवर्क तो अवेलेबल होता नहीं है करके। तो मैंने खिड़की ऊपर करके देखा तो बहुत ज़्यादा धूप थी बार, तो मैंने इसको वापस, तो ये मेरा टिश्यू पेपर था विस्तारा, इसके ऊपर नाम लिखा था एयरलाइंस का। तो मेरे से पूरा तो फिनिश हुआ नहीं दाल मखनी और वो, क्योंकि क्वान्टिटी ज़्यादा थी, मैं इतना नहीं खा पा रही थी करके, तो मैंने पानी पिया। फिर उसके बाद में था डेजर्ट, जो कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा था, पर पहले मैंने इसका स्मेल किया था फिर खाया, पर इसके टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने यही पूरा फिनिश किया उन सब में से, और जो कि अच्छा भी था, टेस्टी ज़्यादा ही कुछ था। फिर मैंने सब कुछ वापस ऐसे ही पैक करके रख दिया, और मैं देख रही थी कि सब लोग क्या कर रहे हैं। बैग ले लेते क्योंकि बैग बाहर हो गया। ये तो मेरे साथ ही था एक और जो बड़ा बैग,